गलती से वह बच्ची उसके पेट में चली जाती है। देखता है कि उसके पेट में जलपरी की बेटी है। एक बार समुद्र में एक जलपरी को एक बेटी हो जाती है। समुद्र की सारी मछलियाँ जलपरी की बेटी को देखने आई हुई होती हैं। लेकिन उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि एक भयानक चुड़ैल उन्हें देख रही थी। वह चुड़ैल कहती है, कितने साल बीत गए इस दिन का इंतजार करते हुए, आज वह दिन आ ही गया। जलपरी की बेटी बहुत ही शक्तिशाली है, इसे चुराऊंगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल एक मछली का भेष बदल लेती है और जलपरी के पास जाकर कहती है, जलपरी बहन, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? जलपरी कहती है, हाँ क्यों नहीं। चुड़ैल जैसे ही बच्चे के पास जाती है, वह अपने असली रूप में आ जाती है और उस बच्ची को उठाकर वहाँ से भागने लगती है। जलपरी जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ मेरी बेटी को, कोई बचाओ, चुड़ैल लेकर भाग गई। सभी समुद्र की मछलियाँ और जलपरी चुड़ैल का पीछा करने लगती हैं। तभी चुड़ैल का पैर समुद्र के एक पत्थर से टकरा जाता है और वह बच्ची उसके हाथ से छिटक जाती है। वहीं पास में ही एक बड़ी मछली मुंह खोले घूम रही थी। गलती से वह बच्ची उसके पेट में चली जाती है और तभी उसे एक मछुआरा पकड़ लेता है। वह मछुआरा मछली को अपने घर ले जाता है और कहता है, देखो भगवान, आज मैं कितनी बड़ी मछली पकड़ कर लाया हूँ। इससे तो एक हफ्ते तक हमारे घर का गुजारा हो सकता है और बच्चे भरपेट खाना खा सकते हैं। ऐसा कहकर वह मछुआरा उस मछली को काटने लगता है। तभी उसमें से रोने की आवाज आती है। मछुआरा रोने की आवाज सुनकर घबरा जाता है। मछुआरे के पास ही एक साधु रहता था। वह साधु के पास जाता है, लेकिन वह मछुआरा असली में एक मरमेड था और भेष बदल कर गाँव में रहता था। वह मछुआरा साधु बाबा के पास जाता है और कहता है, मैं एक मछली पकड़ कर लाया हूँ, उसमें से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कृपया आप इसे देखिए। तभी वह बाबा भागा भागा मछली के पास जाता है और अपनी शक्ति से देखता है कि उसके पेट में जलपरी की बेटी है। वह मछुआरे से कहता है, इसमें एक जलपरी की बेटी है, तुम उसे मछली के पेट से निकालो। मछुआरा मछली के पेट से जलपरी की बेटी को निकालता है। तभी वहाँ चुड़ैल भी पहुँच जाती है और चुड़ैल यह सब देखती है। वह चुड़ैल उस बच्ची को छीनने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उस साधु बाबा ने घर के चारों तरफ एक लकीर बना रखी थी जिससे कोई पापी शक्ति पार नहीं कर सकती थी। जैसे ही वह चुड़ैल लकीर के पास पहुँचती है, उसमें से आग निकलती है। वह चुड़ैल वहीं रुक जाती है। चुड़ैल कहती है, ये साधु तो बहुत ही चलाक है, जब तक ये यहाँ है मैं इस लड़की को नहीं छीन सकती, इसके बाहर जाने का इंतजार करना होगा। साधु बाबा मछुआरे से कहते हैं, यह समुन्द्र की जलपरी की बेटी है, हमें इसे इसकी माँ के पास वापस पहुँचाना होगा। अगर हम इसे यहाँ रखेंगे तो यह बहुत बड़ा पाप होगा और यह मर भी सकती है। तभी मछुआरा और साधु बाबा उस बच्ची को लेकर समुद्र के पास जाते हैं। चुड़ैल भी उनका पीछा करती है और समुद्र के पास पहुंच जाती है। चुड़ैल कहती है, ये साधु यहाँ से जैसे ही जाएगा फिर मैं इस बच्ची को दोबारा चुरा लूंगी, इस बच्ची का खून पीकर मैं अमर हो जाऊंगी। साधु बाबा और मछुआरे को एक समुद्र की ही मछली जलपरी के पास ले जाती है। साधु बाबा जलपरी की बेटी को जलपरी को वापस सौंप देते हैं। जलपरी कहती है, साधु बाबा देखो ये चुड़ैल यही है और ये इसे दोबारा चुरा सकती है, मेरी मदद करें। तभी साधु बाबा एक तरकीब लगाते हैं और जलपरी की बेटी का एक क्लोन बनाते हैं और एक मैचस्टिक का जाल बनाते हैं। फिर जलपरी से कहते हैं, देखो यह आपकी बेटी नहीं है, यह एक क्लोन है, हूबहू आपकी बेटी की तरह ही दिखती है, इसे मैंने मेरी शक्ति से बनाया है, हम इसे इस माया जाल में रखेंगे, जैसे ही वह चुड़ैल इसे लेने आएगी वह इस माया जाल में जलकर भस्म हो जाएगी और तुम्हें उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाएगा। साधु बाबा ऐसा कहकर और उस जलपरी की नकली बेटी को माया जाल में रखकर थोड़ा दूर चले जाते हैं ताकि चुड़ैल को लगे कि साधु चला गया है। चुड़ैल साधु को जाता देख बहुत खुश हो जाती है और कहती है, जल्दी से भागकर उसकी बेटी को उठा लेती हूँ, कोई नहीं है। चुड़ैल इतनी उतावली थी कि वह भागी भागी बच्ची को उठाने के लिए उस माया जाल में चली जाती है। जैसे ही वह उस माया जाल में जाती है, वह मैस्टिक माया जाल अपने आप जल जाता है। चुड़ैल कहती है, ये क्या, ये तो छलावा और धोखा है, साधु ने धोखे से मुझे मारा है। फिर क्या, वह चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है।
तभी वह साधु अपने असली रूप यानी मरमेड में बदल जाता है और मछुआरे को बहुत सारा खजाना देता है और कहता है, लो अब तुम्हें समुद्र की मछलियों को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, खुशी से अपना जीवन जियो। एक समय की बात है, खुद शैतान अपनी गुफा से निकलकर गांव में जाकर मछलियों की खेती किया करते थे। एक शैतान कहता है, अरे भाई इस बार तो खेतों में मछलियां बहुत ही ज्यादा हुई हैं। चलो चुड़ैल रानी के भोजन का समय हो गया, जल्दी से इन मछलियों को बेचते हैं। ऐसा कहकर वह शैतान मछलियों को लेकर बेचने चले जाते हैं। आओ भाई आओ, मछलियां ले जाओ, बहुत ही ताजा ताजा जमीन से उगाई हुई मछलियां हैं, स्वादिष्ट मछलियां खाओ। तभी गांव का एक व्यक्ति मछलियां खरीदने के लिए आता है। अरे भाई कितने की दी ये मछलियां? शैतान कहता है, 10 रुपए किलो। यह तो बहुत ही महंगी है भाई। अच्छा तो तुम्हें सस्ती चाहिए, आ जाओ मेरे साथ, कमरे में बहुत ही सस्ती सस्ती मछलियां रखी हुई हैं। ऐसा कहकर वह व्यक्ति शैतान के साथ कमरे में चला जाता है। वह जैसे ही कमरे में जाता है, वह शैतान उस व्यक्ति की मुंडी काटकर और उसे बोरी में डाल लेता है। सभी शैतान गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। गुफा में पहुंचकर शैतान उस सरकटे व्यक्ति को चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल कहती है, शाबाश मेरे शैतानों, ऐसा ही अच्छा काम करते रहो। जिस दिन मैं 100 आदमी खा लूंगी, मैं तुम्हें शैतान रूप से आजाद कर दूंगी और पृथ्वी लोक तुम्हारे हवाले कर दूंगी। तुम पृथ्वी लोक पर राज करना और जितने चाहे उतने आदमी खाना। अब जाओ और जाकर मछलियों की खेती करो। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन चुड़ैल शैतानों के खेतों में जाती है और एक मछली को उखाड़ कर खाती है। चुड़ैल कहती है, वाह क्या स्वादिष्ट मछली है। अगर यह मछली इतनी स्वादिष्ट है तो इनकी रानी जलपरी कितनी स्वादिष्ट होगी, उसको भी खाऊंगी। तभी वह शैतान को बुलाती है और कहती है, शैतानों जाओ जलपरी को लेकर आओ, जलपरी को खाते ही मैं तुम्हें शैतान के रूप से आजाद कर दूंगी और पृथ्वी लोक का महाराजा बना दूंगी। यह बातें बंटी सुन रहा होता है। बंटी भागा भागा जलपरी के पास जाता है और जलपरी से कहता है, क्या हुआ बंटी, तुमने मुझे इतना जल्दी क्यों बुलाया? जलपरी बहन, खुद शैतान और एक भयानक चुड़ैल आपको मारकर खाने की बात कर रहे थे और यहीं आ रहे हैं। तभी जलपरी कहती है, घबराओ नहीं बंटी, उन्हें यहाँ आने दो, लेकिन तुम जल्दी जाओ और सभी गाँव वालों से बोलो कि वह 1000 माचिस की तिल्ली का एक पुल बनाए, वह चुड़ैल माचिस की तिल्ली से ही मारी जाएगी। ऐसा सुनते ही बंटी गांव भागा भागा जाता है और गांव वालों को सारी बात बताता है। गांव वाले जल्दी से 1000 माचिस का एक पुल बना देते हैं और जलपरी के पास लेकर पहुंच जाते हैं। तभी बंटी कहता है, जलपरी रानी मेरे पास एक आइडिया है चुड़ैल को इसके ऊपर लाने का। जलपरी कहती है, बताओ बंटी तुम्हारे पास क्या आइडिया है? तभी बंटी जलपरी के जैसा एक पुतला बनाता है और उसे पुल पर रख देता है। जलपरी यह देख सब समझ जाती है और जैसे ही शैतान और चुड़ैल वहां आने लगते हैं, सभी छुप जाते हैं। चुड़ैल वहां आकर कहती है, जलपरी क्या बात, पानी को छोड़कर इस पुल पर आराम फरमा रही हो? आओ जल्दी आओ, अब मेरा खाना बन जाओ, तुम्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तभी बंटी दूर से बोलता है जलपरी की आवाज में, चुड़ैल मैं वहाँ चलकर नहीं आ सकती, तुम्हें यहाँ आकर मुझे खाना होगा। चुड़ैल जलपरी को देखकर इतनी उतावली हो गई थी कि उससे रहा नहीं गया और वह भागी भागी पुल पर चढ़ जाती है। लेकिन तभी उसे पता लग जाता है कि जलपरी असली नहीं है, वह तो एक पुतला है। चुड़ैल कहती है, तुम सभी ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ धोखा हुआ। लेकिन इससे पहले कि वह वापस उतरती, बंटी उस पुल को आग लगा देता है। सभी माचिस की तीली एक एक करके जल जाती हैं और चुड़ैल 1000 माचिस की तीली में जलकर मर जाती है। सभी शैतान ऐसा दृश्य देखकर घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। भाई चुड़ैल का काम तमाम हो गया, जल्दी से भाग चलते हैं, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। सभी शैतान गांव छोड़कर भाग जाते हैं। जलपरी सभी गांव वालों और बंटी को कहती है,
आप लोगों ने मेरी जान बचाई, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कुछ शैतान शैतान लोग से एक जादुई मशीन और एक चुड़ैल की मूर्ति नदी के पास ले आते हैं। एक शैतान कहता है, चुड़ैल की रानी, इस जादुई मशीन की सहायता से हम आपको दोबारा जीवित कर लेंगे। चिंता मत करो चुड़ैल की रानी, मैं अभी जलपरी को पकड़ कर लेकर आता हूँ। फिर वह शैतान नदी में चला जाता है। और एक जलपरी को पकड़ लाता है। जलपरी कहती है, ए दुष्ट शैतान, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें छोड़ दे। लेकिन शैतान उसकी एक नहीं सुनता और बिना टाइम गवाए उस जलपरी को उस जादुई मशीन में डाल देता है। फिर क्या, जादुई मशीन में से बहुत सारे सांप बनकर निकलने लगते हैं। शैतान यह सब देख बहुत खुश होता है और कहता है, सुनो मेरे शैतानी सैनिको, जल्दी से इन सांपों का जहर निकालो, यह जहर हमें चुड़ैल की रानी को पिलाना है। जहर के पिलाते ही चुड़ैल की रानी दोबारा जीवित हो जाएगी, जाओ जल्दी करो। शैतानी सैनिक ऐसा ही करते हैं और सांप के जहर को निकालने लगते हैं। वह सभी सांप के जहर को एक पोटली में इकट्ठा कर लेते हैं और शैतान को दे देते हैं। शैतान वह जहर मूर्ति को पिला देता है। तभी उस मूर्ति में से तेज रोशनी निकलती है। देखते ही देखते वह मूर्ति एक भयंकर चुड़ैल में बदल जाती है। शैतान चुड़ैल से कहता है, अच्छा हुआ चुड़ैल की रानी, आप जीवित हो गई। हमारे वादे के अनुसार हमने आपको जीवन दान दिला दिया, अब आप हमें शैतान लोक दिलाओगी और हमारी मदद करोगी। चुड़ैल कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें शैतान लोक का राजा बनवा कर ही रहूंगी, लेकिन बहुत दिनों से मूर्ति बने रहने के कारण मुझे बहुत भूख लगी है और मेरी शक्तियाँ जलपरी के द्वारा बनाई गई मछलियों को खाकर ही आएंगी, तो जल्दी से इस मशीन में जलपरियों को डालो और उनकी मछली बनाकर खिलाओ। फिर क्या, शैतान चुड़ैल की शक्तियाँ दिलाने के लिए फिर से जलपरी पकड़ लाता है और मशीन में डाल देता है। उस मशीन में से देखते ही देखते मछलियाँ बनकर निकलने लगती हैं। वह दुष्ट चुड़ैल मछलियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और सभी मछलियों को एक बार में ही निगल जाती है और कहती है, वाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद स्वादिष्ट भोजन खाने को मिला है। वहीं पास में भोला यह सब देख लेता है। वह कहता है, अरे यह क्या, नदी पर तो शैतान और चुड़ैल का साया आ गया और यह सभी जलपरियों को एक एक करके खा रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द जलपरी की रानी को यह बात बतानी होगी। तभी भोला भागा भागा जलपरी की रानी के पास जाता है और सारी बात बता देता है। जलपरी की रानी कहती है, भोला अच्छा हुआ तुमने हमें बता दिया, हमें जल्द से जल्द नदी के बाबा के पास जाना होगा। ऐसा कहकर वह दोनों बिना टाइम गवाए नदी के साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं। साधु बाबा कहते हैं, मैंने अपनी जादुई शक्ति से सब देख लिया कि कैसे उस शैतान ने चुड़ैल को जगाया। वह चुड़ैल बहुत ही खूंखार और भयंकर है, अगर वह ऐसे ही अपनी शक्ति बढ़ाती रही तो सब खतरे में आ जाएंगे। भोला कहता है, साधु बाबा उसे मारने का कोई तरीका तो होगा। साधु बाबा कहते हैं, हाँ जिस शैतान ने उस चुड़ैल को जगाया है उस शैतान को अगर किसी भी तरह उस मशीन में डाल दिया जाए और उसकी बनी हुई मछलियाँ चुड़ैल को खिलाई जाएं, तो वह चुड़ैल दोबारा से पत्थर में बदल जाएगी और फिर उस मूर्ति को तोड़ दिया जाए तो वह चुड़ैल हमेशा के लिए मर सकती है, यही तरीका है उसे नष्ट करने का। तभी जलपरी की रानी भोला और साधु बाबा मशीन के पास जाते हैं। भोला अपनी शक्ति से उस शैतान को बेहोश कर देता है और जल्दी से उस मशीन में डाल देता है। फिर क्या, उस मशीन से शैतानी मछलियाँ बनकर निकलने लगती हैं। भोला बिना टाइम गवाए शैतान का भेष बदल लेता है और मछलियों को लेकर चुड़ैल के पास चला जाता है। चुड़ैल जैसे ही उन मछलियों को देखती है चुड़ैल के मुंह में पानी आने लगता है और वह जल्दी से उन सभी मछलियों को निगल जाती है। चुड़ैल कहती है, वाह बहुत मजा आ रहा है जलपरियों की मछलियाँ खाने में, बस मेरी शक्तियाँ वापस आने ही वाली हैं, फिर मैं तबाही मचा दूंगी और सबसे पहले जलपरी की रानी को खाऊंगी। लेकिन उसके इतना बोलते ही चुड़ैल अचानक एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। फिर क्या, साधु बाबा उस मूर्ति को नष्ट कर देते हैं। तभी जलपरियों की रानी साधु बाबा से कहती है, साधु बाबा और भोला हमें और इस नदी को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तभी मशीन में से रोशनी निकलती है और उस रोशनी के साथ कुछ चमत्कारी सोने की गाय बनकर निकल आती हैं। एक बार कुछ लालची चोर शैतान की गुफा के पास जाते हैं और देखते हैं कि शैतान ने कुछ नागिन को बंदी बना रखा था। नागिन शैतान से कहती है, हमें छोड़ दे लालची शैतान, तेरी वजह से हमारा पूरा नागलोक तबाह हो गया और अब तू इस पृथ्वी को भी तबाह करना चाहता है। शैतान कहता है, मैं यहाँ तुम्हें मेरी मशीन में डालने के लिए लाया हूँ। इस पूर्णिमा की रात को मैं तुम्हें जैसे ही इस मशीन में डाल दूंगा, तुम्हारी सारी शक्तियाँ मेरी हो जाएंगी। इस मशीन के जरिए मैं जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। शैतान की यह सब बातें चोर सुन लेते हैं। चोर कहते हैं, भाई यह तो कोई चमत्कारी मशीन लग रही है, अगर हम इसे चुरा लें तो हम भी मालामाल हो जाएंगे, क्योंकि शैतान कह रहा है कि इससे कुछ भी बनाया जा सकता है। हमें शैतान के सोने का इंतजार करना होगा। फिर क्या, शैतान जैसे ही सो जाता है वह लालची चोर उसकी मशीन चुरा लेते हैं और एक गांव ले आते हैं। एक चोर बोलता है, भाई मेरे पास कुछ गाय के खिलौने हैं, क्या हम इसे इस मशीन में डाल दें, देखेंगे क्या इसे कोई असली सोने की गाय बनकर निकलेगी। ऐसा कहकर वह कुछ गाय के खिलौने मशीन में डाल देता है। तभी मशीन में से रोशनी निकलती है और उस रोशनी के साथ कुछ चमत्कारी सोने की गाय बनकर निकल आती हैं। चोर कहता है, वाह भाई शैतान की जादुई मशीन तो बहुत ही काम की निकली, अब हम इन सोने की गायों को गांव में बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। सभी चोर बहुत खुश हो जाते हैं और गाय को लेकर गांव के ही एक बहुत धनी सेठ के घर बेचने चले जाते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं। एक चोर कहता है, सेठ जी सोने की गाय लाया हूँ, यह सोने की गाय आपको और भी धनवान बना देगी। वह धनी सेठ कहता है, क्या सोने की गाय, मुझे इसी की तो तलाश थी। वह धनी सेठ उस गाय को ले लेता है। उस धनी सेठ का बेटा बंटी यह सब देख रहा होता है। बंटी कहता है, सोने की गाय जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती, जरूर दाल में कुछ काला है। बंटी उन पर शक करने लगता है और उन चोरों का पीछा करने लगता है। वह देखता है कि वह चोर उस मशीन में गाय के खिलौने डालते और उस मशीन से एक असली सोने की गाय बनकर निकलती। वह चोर कुछ गांव वालों को भी वह सोने की गाय बेचाते हैं और बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं, जिससे कि वह अपना एक बहुत बड़ा घर बना लेते हैं। तभी एक भयंकर शैतान वहां आता है। शैतान वहां आकर देखता है कि वह चोर उसकी मशीन में सोने की गाय बना रहे थे। शैतान यह सब देख बहुत क्रोधित हो जाता है और कहता है, तुम चोरों ने एक शैतान के घर से चोरी की है और तुमने मेरी मशीन की शक्तियां भी कम की हैं। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वह शैतान उस मशीन और उन चोरों को भी ले जाता है और अपनी गुफा में ले जाकर कैद कर देता है। बंटी भी उनके पीछे पीछे गुफा में चला जाता है और देखता है कि उस शैतान ने नागिन को भी बंदी बना रखा था। नागिन बंटी से कहती है, बंटी हमें बचाओ। बंटी कहता है, मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। नागिन कहती है, वह जो जादुई मशीन है उसके पीछे एक जादुई नागमणि लगी हुई है, अगर तुम किसी भी तरह उसे वहाँ से निकाल कर मुझे दे दो तो हम अपने आप आजाद हो जाएंगे। ठीक है मैं अभी लाता हूँ। नागिन की बात सुनते ही बंटी नागमणि को निकालने के लिए मशीन के पास जाता है और जैसे ही नागमणि निकालता है वह चोर उसे देख लेते हैं। वह चोर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, शैतान महाराज देखो आपकी जादुई नागमणि को कोई चुरा रहा है। तभी शैतान चोरों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जग जाता है और बंटी के पीछे भागता है, लेकिन बंटी जल्दी से भागकर वह नागमणि नागिन को दे देता है। जैसे ही वह नागमणि नागिन को देता है सभी नागिन अपने आप आजाद हो जाती हैं और अपनी शक्ति से शैतान को एक पत्थर बना देती हैं। सभी नागिनें बंटी का धन्यवाद करके नागमणि को लेकर नागलोक की तरफ निकल पड़ती हैं और वह चोर वहीं बंदे बने रहते हैं। बहुत समय पहले एक दिन बहुत सारी लालची चुड़ैलें एक गांव में घुस जाती हैं। एक चुड़ैल कहती है, अगर हम ऐसे ही घूमेंगे तो गांव वाले हमें आग लगाकर मार देंगे, लेकिन हमें अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए गांव वालों को मारकर खाना होगा। तभी अचानक उस चुड़ैल को एक माचिस नजर आती है। वह चुड़ैल कहती है,
देखो बहनों, ये माचिस, हम इसके अंदर घुस जाते हैं और जैसे ही कोई इस माचिस को उठाने आएगा, हम उसे माचिस के अंदर घसीट लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर क्या था, ऐसा कहते ही सभी चुड़ैल एक एक करके माचिस के अंदर घुस जाती हैं और अपने शिकार का इंतजार करने लगती हैं। तभी वहां से गांव के कुछ लड़के गुजर रहे होते हैं, उनकी नजर माचिस पर पड़ती है। एक लड़का कहता है, अरे भाई देखो माचिस, चलो हम सभी माचिस को इकट्ठा करके माचिस की कार बनाएंगे, बहुत मजा आएगा। ऐसा कहकर जैसे ही वह बच्चे माचिस को उठाने चलते हैं, तभी सभी चुड़ैले एक एक करके उन सभी लड़कों को माचिस के अंदर घसीट लेती हैं। वह लड़के बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं, बचाओ हमें कोई, चुड़ैल हमें माचिस के अंदर घसीट रही है। लेकिन वह चुड़ैले उन्हें गुफा में ले जाकर बंदी बना लेती हैं। एक चुड़ैल कहती है, बहन देखो, अभी तो हमारे पास 4 इंसान ही हुए हैं, हमें एक इंसान और चाहिए, फिर हम उन्हें अमावस्या की रात को मार देंगे और खा जाएंगे, जिससे हमारी शक्तियाँ 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर वह सभी चुड़ैलें बचे हुए एक लड़के को लेने के लिए गांव की तरफ निकलती हैं। तभी एक चुड़ैल माचिस के अंदर चली जाती है और कहती है, कहाँ है मेरा शिकार, जल्दी से आ जा, फिर मैं तुझे माचिस के अंदर घसीटूंगी। गांव में बच्चों के अचानक गायब होने से हड़कंप मच जाता है। सभी गांव वाले एक एक करके सांपों को मारने लगते हैं। एक सांप कहता है, अरे भाई तुम हम सबको क्यों मार रहे हो, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इतना कहते ही वहाँ पर भोलू नागराज और नागिन पहुँच जाते हैं। भोलू नागराज कहता है, इंसान तुम हमारे प्रिय सांपों को क्यों मार रहे हो। वह गांव का व्यक्ति कहता है, नाग देवता हमारे बच्चों को यह सांप उठा कर ले जाते हैं और मारकर खा जाते हैं, इसलिए हम इन सभी सांपों को एक एक करके मार रहे हैं ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। तभी भोलू नागराज अपनी शक्तियों से देखता है कि यह सब कौन कर रहा है। भोलू नागराज कहता है, यह देखो गाँव वालों, यह काम ये चुड़ैले मिलकर कर रही हैं और तुम बेवजह ही इन सांपों को मार रहे हो। वह व्यक्ति नागराज से कहता है, नागराज इन चुड़ैलों से हमारे गांव की रक्षा करो, कृपया हमारी मदद करो। नागराज कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे बच्चों को सुरक्षित वापस लेकर आऊंगा, लेकिन तुम इन सांपों को मारना बंद करो और सभी गांव वालों को बोलो कि वह इन्हें मारना बंद कर दें। तभी सभी गांव वाले नागराज की बात मानकर सांपों को मारना बंद कर देते हैं। बोलू नागराज छोटा होकर एक माचिस में चला जाता है, लेकिन उसमें चुड़ैल नहीं होती। बोलू नागराज कहता है, इसमें तो कोई भी चुड़ैल नहीं है। तभी एक चुड़ैल उस माचिस में घुसने की कोशिश करने लगती है, लेकिन नागराज को देखकर घबराकर भाग जाती है। फिर नागराज उस माचिस में से निकलकर दूसरी माचिस में भेष बदल कर जाने लगता है। तभी अचानक एक भयानक चुड़ैल नागराज को माचिस में घसीट लेती है और सीधा गुफा में ले जाती है। गुफा में जाकर वह बाकी बची हुई चुड़ैलों से कहती है, क्या बात, तुम कोई इंसान पकड़ कर नहीं लाई। तभी वह चुड़ैल कहती है, बहन हम जैसे ही माचिस में घुसने लगी उसमें नागराज था और हम तो डर के भाग आए, लगता है नागराज को पता लग गया, हमें इन्हें जल्दी ही मारना होगा। बड़ी चुड़ैल कहती है, कोई बात नहीं, हमारे पास 5 इंसान हो गए और आज तो अमावस्या की रात भी है, चलो जल्दी से यज्ञ की तैयारी करो, आज हम 1000 गुना शक्तिशाली हो ही जाएंगी और ब्रह्मांड पर राज करेंगी। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें एक यज्ञ की तैयारी करने लगती हैं। तभी भेष बदले हुए नागराज अपने असली रूप में आ जाता है और उन सभी बच्चों को छुड़ाकर बाहर ले आता है। तभी वहाँ इच्छाधारी नागिन भी आ जाती है। नागराज नागिन से कहता है, नागिन इन्हें सुरक्षित गांव वालों तक पहुंचा दो, इतने मैं चुड़ैल को सबक सिखाता हूं। नागिन उन बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। तभी नागराज अपनी शक्तियों से पूरी गुफा को कैद कर लेता है। चुड़ैलों को पता लग जाता है कि वह मुसीबत में है। वह बाहर आने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वह बाहर नहीं आ पाती। एक चुड़ैल कहती है, बोलू नागराज तुमने हमें कैद कर अच्छा नहीं किया, हमें आजाद कर दे नहीं तो मारा जाएगा। बोलू नागराज कहता है, चुड़ैल कही कि तुम्हारी वजह से मेरे कुछ भाई सांप बेवजह ही मारे गए, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। तभी नागराज अपनी शक्तियों से पूरी गुफा को आग लगा देता है और गुफा समेत सभी चुड़ैलों को पाताल लोक पहुँचा देता है।